आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। ओबीसी समन्वय समिति और ग्रामीण शिक्षा प्राथमिक विद्यालय बचाव समिति के विनती अनुसार महाराष्ट्र राज्य के पिछले गठबंधन उद्धव ठाकरे की सरकार ने पर राज्य में शिक्षा के लिए VJNT और ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के निर्णय को मंजूरी दी थी, उसे शिंदे फडणवीस सरकार ने रद्द कर दिया है। जहाँ केंद्र सरकार देश के शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के संबंध में नीति तय करने के मामले पर विचार कर रही है, वहीं महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र शैक्षिक छात्रवृत्ति से वंचित हैं, इसलिए छात्रों के साथ एक बड़ा अन्याय किया गया है। इसलिए मांग की गई है कि 25 मार्च 2022 को रद्द किए गए निर्णय को पूर्ववत किया जाए और शिक्षक छात्रवृत्ति दी जाए। इस समय समन्वय समिति समन्वयक हरिदास जी गौरकर, ओबीसी समिति समन्वय प्रकाश खनके देवराव, थावरी सुधाकर तुरंकर, उमेश जगनाडे, सुरेंद्र अड़ते इस अवसर पर उपस्थित होकर अन्य पदाधिकारियों के साथ तहसीलदार को इस संदर्भ में एक निवेदन दिया। सरकारचा शिंदे फडणवीस सरकारचा आज या ठिकाणी कोरपडा तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले। ते निवेदनाचं कारण असं होतं, VJNT SBC आणि OBC या विद्यार्थ्यांना पर राज्यात शिकण्याकरिता शिष्यवृत्ती मागील सरकारने म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने 25 मार्च 2022 मध्ये देण्याचे मान्य केले, परंतु या शिंदे आणि फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून एक VJNT SBC आणि OBC विद्यार्थ्यावर अन्याय केला। त्या अन्यायाविरुद्ध आज या ठिकाणी आम्ही निषेध करतोय आणि तो पूर्ववत करण्याची आम्ही मागणी करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।